नरवाना के शास्त्री नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि आज हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी में नंबर वन बन चुका है और बीजेपी में गुटबाजी चरम सीमा पर है। वहीं 20 अगस्त को होने वाली रैली विपक्ष आपके समक्ष पर, उन्होंने ये कहा कि एक ऐतिहासिक रैली होगी। हरियाणा प्रदेश की जो स्थिति है वो छुपी नहीं है। आज इस सरकार ने बेरोजगारी अपने देश में नंबर एक हरियाणा को बनाने का काम किया है। बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार, ये इस सरकार की तीन पहचान बन चुकी है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब उनके गांधी के नेतृत्व में हम लोग सारे प्रयास कर रहे हैं कि देश में लोगों में जागृति आए। लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, आज से आज जोड़ो प्रोग्राम भी चल रहे हैं और विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम भी चल रहे हैं जो अगला 20 तारीख को हिसार में बड़ा प्रोग्राम विपक्ष आपके समक्ष का। अपने कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भारतीय जनता पार्टी पर यहाँ निशाना साधते हुए नजर आए।